भागलपुर वृहद आश्रय गृह में लगातार खौफनाक वारदात होते चले आ रहे हैं। कुछ दिन पहले एक बच्चे की संदेहास्पद मौत हुई थी। अब वहीं के महिला कर्मचारी द्वारा बुरे तरीके से बच्ची की पिटाई करने का मामला भी सामने आया है। लगातार इस तरह के वारदात से वृहद आश्रय गृह भागलपुर प्रश्न चिन्ह के घेरे में फंसता चला जा रहा है। आखिर इसकी शुद्ध कोई पदाधिकारी क्यों नहीं ले रहा? वहां के महिला कर्मचारियों द्वारा बच्चों को मारने की बात तब सामने आए जब दो चार महिलाएं बृहद आश्रय गृह के सामने रोटी भी रखती नजर आई और जोर जोर से यह कहती नजर आई कि मेरी बच्ची को मत मारो। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पर प्रशासन क्या संज्ञान लेती है। वहीं इसको लेकर कुछ महिलाएं काफी आक्रोशित दिखे। वहीं दूसरी तरफ भागलपुर CTSP श्री राज ने बताया कि इस पर जल्द ही संज्ञान लिया जाएगा और CCTV फुटेज खंगाली जाएगी और विशेष टीम का गठन कर इस पर जल्द कार्य किया जाएगा और दोषियों को चिन्हित कर उसे विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए सजा दी जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी प्राप्त है, इसमें फांसी से इनकी जो है मृत्यु बताया गया है। इस संबंध में बड़ी पुलिस अधीक्षक के द्वारा एक SIT का गठन किया गया है, जिसमें कि SDPO 2 नाथनगर और DSP प्रोबेशनर एक है रीता और महिला थाना अध्यक्ष, इन तीनों की एक टीम बनाई गई है। आज ये तीनों टीम के द्वारा घटनास्थल का जो है निरीक्षण कर और जाँच भी किया जा रहा है, ताकि अन्य बच्चियों का भी बयान लिया जा रहा है कि क्या कुछ संदिग्ध मामला है या नहीं। इसके पहले भी एक बच्चे की मौत, जैसा कि आपने बताया था, तो इसी को हम लोग देखते हुए प्रियम्प्ट करते हुए SSP सर के द्वारा एक SIT टीम, विशेष टीम बनाया गया है और इस पूरे मामले की और क्या कमी रही, क्या इस पूरे को लेकर जांच किया जा रहा है कि कहीं कुछ अन्य मामले भी नहीं। CCTV में कुछ है? आप देखते हैं जो टीम बनी है, इनका जो रिपोर्ट आता है, इन दोनों टीम जाँच कर रही है।